तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है आर्ट्स ऑफ अयोटा। और आर्ट्स ऑफ अयोटा में जो है यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट नोट आ जाता है। तो आज अपन पूरा आर्ट्स ऑफ अयोटा के कंसेप्ट समझेंगे कि आर्ट्स ऑफ अयोटा का कोर्स क्या है, मतलब उसका रास्ता क्या है। देन इसके सारे रिलेशन अपन देखेंगे, उसके बाद मैं इसकी बताऊँगा ब्रांचेस। अब अगर आप जानते हैं तो अपन को पता है कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ रहता है, अपना रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप का करता है, वो आपको करता है असेंडिंग अयोटा में। देन ये असेंडिंग अयोटा ही आगे जाके बनती है आर्च ऑफ अयोटा। तो ये आर्च फॉर्म हो रहा है ना, तो मतलब पहले आएगी असेंडिंग अयोटा, फिर वो बनेगी आर्च ऑफ अयोटा, फिर आर्च ऑफ अयोटा में बेसिकली रहती है तीन ब्रांचेस। अपन उन तीनों ब्रांचेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आर्च ऑफ अयोटा ही नीचे आपका आ जाता है और बना लेता है डिसेंडिंग अयोटा। अब जो डिसेंडिंग अयोटा जो है वो थोरेक्स में है तो उसको बोलेंगे थोरेसिक डिसेंडिंग अयोटा। देन वही आगे जाके एब्डोमेन में चली जाएगी तो अपन उसको बोलेंगे एब्डोमेन अयोटा। उसके बाद अपन जो है आर्च ऑफ अयोटा पढ़ने के बाद अपन जो थोरेसिक अयोटा जो है उसके सिर्फ ब्रांचेस ही देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, मेनली जो थोरेसिक अयोटा जो है उसकी सिर्फ ब्रांचेस वगैरह ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, आर्च ऑफ अयोटा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखूंगे आप एक शॉर्ट नोट में। देन अपन एंड में इसकी सारी ब्रांचेस को भी देख लेंगे। तो इसी वीडियो में आपके दो टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है अभी बात करते हैं हम आर्च ऑफ अयोटा की। तो आर्च ऑफ अयोटा जो है कितनी ब्रांच देता है, यह आपकी तीन ब्रांच देता है। एक ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब मैं क्या है इसको आपको एक बार बना के बता देता हूँ। तो ये है आपकी असेंडिंग अयोटा, ये बन गई आर्च ऑफ अयोटा। देन यही आपकी बनेगी डिसेंडिंग अयोटा। और इसका क्या होता है, सारी ब्रांचेस जो है अगर तुम उसको समझ के पढ़ते हो ना तो आराम से आपको ये सब हो जाएगा। तो ये अपन ने पूरा बना लिया, ये है आपके असेंडिंग अयोटा, ये आर्च ऑफ अयोटा और ये डिसेंडिंग अयोटा। अब यहाँ से निकलती है तीन ब्रांचेस, ये अच्छे से याद कर लेना। आर्च ऑफ अयोटा देता है तीन ब्रांच। सबसे पहले वो आपका देता है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। अब इसको ब्रेकियोसेफेलिक क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है इसको, ये है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। देन ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है आगे जाके आपकी देगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे जो ब्रेकियोसेफेलिक जो आर्टरी है वो आगे जाके टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में ऐसा नहीं होता, लेफ्ट साइड में क्या लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक नहीं है, लेफ्ट साइड में डायरेक्ट आर्च ऑफ अयोटा से डायरेक्ट जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल जाती है। मतलब ये क्या है, अपन ने क्या करा, राइट कैरोटिड आर्टरी जो थी वो अपन ने राइट ब्रेकियोसेफेलिक से निकाली थी, लेकिन लेफ्ट में ब्रेकियोसेफेलिक नहीं रहता, वहां पर डायरेक्ट कॉमन कैरोटिड जो है डायरेक्ट निकलती है। तो अपन इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कुछ इस तरीके से आपकी निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद ये आपकी आखिरी ब्रांच देगा, वो आपकी होगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो आर्च ऑफ अयोटा है ये तुम अच्छे से याद कर लेना कि वो तीन ब्रांच दे रहा है, राइट में ही होती है ब्रेकियोसेफेलिक, देन ब्रेकियोसेफेलिक आगे जाके आपकी बनती है सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेकिन जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड जो है वो आपकी डायरेक्ट आर्च ऑफ अयोटा से ही निकलती है। तो ये आपकी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार क्या आपके लिए लिख भी देता हूँ, यह लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये क्या थी, ये थी अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड देन ये है अपनी राइट ब्रेकियोसेफेलिक। तो ये अपन ने देख लिया आर्च ऑफ अयोटा की तीनों ब्रांचेस। देन अब मैं जो है आपको डिसेंडिंग की भी अभी बता ही देता हूँ। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, जो डिसेंडिंग अयोटा जो है ये अपनी है थॉरेक्स में, और थॉरेक्स में मेनली क्या रहता है, थॉरेक्स में अपनी रहती हैं रिब्स, और रिब्स के बीच में रहती हैं आपकी इंट्राकोस्टल स्पेस। अब जो है ये क्या करती हैं, इसका मेन काम होता है अपना इंट्राकोस्टल आर्टरी को देना। तो कुल मिला के कितनी इंट्राकोस्टल स्पेस होती हैं, टोटल अपनी होती हैं 11 इंट्राकोस्टल स्पेस। तो ये जो है ना, तो कुल मिला के 11 इंट्राकोस्टल स्पेस, और उन 11 इंट्राकोस्टल स्पेस में आपकी रहती हैं 11 इंट्राकोस्टल आर्टरी। और लास्ट वाला जो रिब रहता है 12th रिब, उसके नीचे जो आर्टरी रहती है ना उसको अपन बोलते हैं सब कोस्टल आर्टरी। तो तुम्हें याद क्या करना है, ये जो डिसेंडिंग अयोटा जो है ये क्या करेगा, वो 3 से लेकर 11 तक, मतलब कि कुल मिला के 3 से लेकर 11 तक जो है वो आपको इंटर कोस्टल आर्टरी देगा। तो किस इस तरीके से देता है, मैं आपको बना देता हूँ, ये आपका 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो कुल मिला के 9 3 से लेकर 11 तक
इंटरकोस्टल आर्टरी देता है। देन लास्ट वाली अपन आर्टरी को क्या कहते हैं, सबकोस्टल आर्टरी। तो ये है आपकी सबकोस्टल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे अगर 3 से लेकर 11 तक इंटरकोस्टल आर्टरी अगर डायरेक्ट आयोटा से निकल रही है, डिसेंडिंग आयोटा से, देन शुरू की 2 कौन देगा? तो जो शुरू की 1 और 2 इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है ना, वो याद कर लेना, वो आपका डायरेक्ट यहाँ से निकल जाती है। मतलब जो सबक्लेवियन है ना, वो आपकी डायरेक्ट सबक्लेवियन से निकलती हैं, 1 और 2 दोनों साइड में। राइट में भी यही होता है, लेफ्ट में भी यही होता है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड में बना देता हूँ, ये 1 एंड 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये तो आपकी पूरी 11, और ये है आपकी लास्ट वाली सब कोस्टल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो डिसेंडिंग आयोटा जो है कुल मिला के आपकी 3 से लेकर 7 तक इंट्रोकोस्टल आर्टरी देता है, उसके अलावा दोनों साइड में सब कोस्टल आर्टरी भी देता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी है लेटरल ब्रांचेस, मतलब थोरसिक आयोटा जो है उसकी ये है लेटरल ब्रांचेस। देन उसके वेंट्रल में ये वाला हिस्सा जो है ना, इसके वेंट्रल वाला साइड में आगे वाले साइड में भी कुल मिला के 4 ब्रांचेस दे रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से 4 ब्रांचेस होती हैं, और ये जो है ना बहुत इजी है, अपन इसको जल्दी से याद हो जाता है। अब ये कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा है, सबसे पहले ये आपके दे रहा है ब्रोंकियल आर्टरी, फिर इसोफेजियल आर्टरी, देन पेरिकार्डियल आर्टरी, उसके अलावा ये जो है ना ये अपनी मीडियास्टिनल आर्टरी भी दे रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है अपनी ब्रोंकियल आर्टरी। ठीक है, देन ब्रोंकियल आर्टरी के बाद ये है अपनी इसोफेजियल आर्टरी, जो इसोफेगस को देगा, वो इसोफेगस वाली आर्टरी, उसको अपन अभी डिटेल में भी अभी और देख लेंगे अच्छे से। देन ये है मीडिया स्टेनम के लिए, तो ये मीडिया स्टेनल आर्टरी। देन लास्ट वन किसकी है, ये है आपकी पेरिकार्डियल आर्टरी। तो सारी की सारी जो है अपन ने इसकी ब्रांचेस देख ली डिसेंडिंग आयोटा की। अच्छे से याद कर लेना कि 3 से लेकर 11 तक इंटरकोस्टल नर्व, बाकी शुरू की 2 जो होती हैं कहाँ से निकलती हैं, वो डायरेक्ट सबक्लेवियन से निकलेंगी, शुरू की 2 सबक्लेवियन से, बाकी 3 से लेकर 11 तक आपकी डायरेक्ट डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से निकलेंगी। उसके अलावा वेंट्रल में ये 4 ब्रांच देगा, एक ब्रोंकियल, फिर इसोफेगस, फिर मीडियास्टिनम, देन पेरिकार्डियल। तो उसको तुम जिंगल बना लो, BOMP, इसका पहला वर्ड ले लो, तो आपकी जिंगल में BOMP, बी से आएगा ब्रोंकियल, ओ से आएगा इसोफेगस, एम से मीडियास्टिनम, पी से आएगा पेरिकार्डियल। तो सारी अपन ने इसकी ब्रांचेस भी देख ली, और फिर अपन क्या इसको और फर्दर और डिटेल में देखते हैं वो आर्चा आयोटा को। तो अगर आप तुम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका लिखा है कि जो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे है कोर्स। अब कोर्स में क्या लिखा है कि जो आर्चा आयोटा जो है वो बिगेन होगी बिहाइंड अपर बॉर्डर ऑफ सेकेंड राइट स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट से। अब तुम बोलोगे स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट क्या है, अब आपको बताता हूँ। अब जो स्टर्नम है, स्टर्नम पे कौन अटैच होती है, अपनी अटैच होती है रिब, और जब स्टर्नम से जहाँ से रिब अटैच होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट। और यहाँ पे जो है ये सेकेंड राइट है, मतलब राइट साइड का स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट, जो पहली रिब है, जो सेकेंड रिब है, तो पहली को छोड़ के सेकेंड वाला, तो सेकेंड रिब जो स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट बना रही है राइट साइड में, वहां से आपका आर्च ऑफ आयोटा जो है बिगेन होता है। ओके, देन वो रन जाएगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या मेरा मीडियास्टिनम का मॉडल दिखाता हूँ। तो यार अगर तुमने मेरी मीडियास्टिनम की वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं पहले यही बोलूंगा कि आप मीडियास्टिनम की वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल में आपको पूरा मीडियास्टिनम समझाया है, और क्या बिल्कुल 3D में मैं समझाया, मैंने क्या तुम्हें मॉडल बना के समझाया, उससे क्या तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया था। जिसने भी नहीं देखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, क्योंकि क्या है मीडियास्टिनम से सारे के सारे जो है ना अपने रिलेटेड होते हैं थोरस के, जितने भी रिलेशन है ना, इसलिए। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था कि मीडियास्टिनम क्या होती है, 2 लंग्स के बीच में स्पेस को अपन बोलते हैं मीडियास्टिनम। देन ये एक लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी, ये क्या स्टर्नम के एंगल से, देन स्टर्नम के एंगल से जो अपन लाइन ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर वाले मीडियास्टिनम को अपन बोलेंगे सुपीरियर मीडियास्टिनम, इसके नीचे वाले मीडियास्टिनम को अपन बोलते हैं इन्फीरियर मीडियास्टिनम। तो अब तुम देख पा रहे हो इसके सुपीरियर मीडियास्टिनम में ये आर्च ऑफ आयोटा आ रहा है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले आपका जो है सेकेंड राइट स्टर्नोकोंड्रल जॉइंट से आपका आर्च ऑफ आयोटा को अपन बोलने लगते हैं असेंडिंग आयोटा को ही। देन आर्च ऑफ आयोटा रन करेगा अपवर्ड बैकवर्ड, कहाँ पे, बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रैकिया में। मतलब ये क्या है, पूरा ट्रैकिया है, ट्रैकिया को मैं अगर दिखाऊं कि ये पीछे की साइड रहता है, तो अपन मीडियास्टिनम का पीछे का सरफेस देखें, तो आपको पूरा ट्रैकिया दिख रहा है। देन ट्रैकिया किस में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, और ये वाले एरिया का बोलते हैं अपन बाइफ्रिकेशन ऑफ ट्रैकिया।
तो आर्च ऑफ आयोटा आता है, देन बैकवर्ड फॉरवर्ड जाता है कहाँ पे, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया की तरफ, इन दस आर्च ओवर रूट ऑफ लंग, ये क्या करता है इस तरीके से जो रूट ऑफ लंग्स होते हैं ना, रूट ऑफ लंग्स पे पूरा आर्च बना लेता है। और रूट ऑफ लंग्स को भी अपन ने डिटेल में देखा था, उसकी वीडियो भी तुम्हें लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। मैंने यार पूरा थॉरेक्स में अपलोड कर चुका हूँ, ये लास्ट के 2-3 वीडियो कर रहा हूँ, उसके बाद अपन पेल्विस देखेंगे और मैं हर वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। इसलिए अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो ना यार, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें पूरा एनाटॉमी अपन देखेंगे। और यार मैं तुम्हें तुम्हारे लिए ना हिस्टोलॉजी भी करने वाला हूँ, क्योंकि हिस्टोलॉजी में सारी सेल तुम्हें क्या दिख रही है, रेड, क्योंकि हिस्टोलॉजी में सारी सेल जो है तुम्हें पिंक ब्लू दिख रही है। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैंने इतनी शानदार ट्रिक्स बनाई थी उसको देखने के लिए कि तुम क्या मतलब फिंगर टच पर सारे साल हो जाएंगे, तुम देखोगे स्लाइड और कह दोगे अरे लंग्स है, अरे हार्ड है, बिल्कुल, क्योंकि इसे ट्रिक्स से होता है सारा काम, उसको रट नहीं सकते आप सेल्स को। तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर ये क्या होता है, फिर ये एंड एट लोअर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मतलब कि जो आर्च ऑफ आयोटा जो है ना, ये एंड कहाँ पे होता है, जो फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है ना उसके लेवल पे एंड हो जाता है। तो यार इसकी एक चीज बताऊँ आपको, आयोटा का क्या है, इसका जो ओरिजिन है और उसका एंड है ना, वो एक ही लेवल पे रहता है। बस क्या होता है, ये एंटेरियर में शुरू होता है और पोस्टेरियर में आर्च बना के एंड हो जाता है। एंड कैसे होता है, असेंडिंग आयोटा से। तो ये इसका पूरा था कोर्स। तो क्या अगर कोर्स तुम डायरेक्ट बुक से पढ़ते हो ना, अगर मैं ऐसे मॉडल्स नहीं दिखाता तो तुम्हें क्या इमेजिन नहीं होता। मैं क्या हर चीज़ इमेजिन करवाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो। फिर अपन देखेंगे इसके रिलेशन। तो रिलेशन जो है ना, अपन मेनली यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, तो तुम इसे कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले रिलेशन के लिए अपन देखेंगे इसके एंटेरियर, इसके आगे क्या है, पोस्टेरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर रिलेशन। तो सबसे पहले अपन इसके सुपीरियर रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि वो ईजी है। तो आर्च ऑफ आयोटा के ऊपर क्या है, सुपीरियर में तीनों ब्रांच इसकी। तो इसके सुपीरियर में क्या है, तीनों ब्रांचेस आर्च ऑफ आयोटा की, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर अपन देखें इसके इन्फीरियर में, इसके नीचे क्या है आर्च ऑफ आयोटा के, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ट्रेके का बाइफर्केशन, पीछे दिखाऊं तो आर्च ऑफ आयोटा को इस तरीके से रहेगा। तो इसके नीचे क्या है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। तो इन्फीरियर में क्या है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। देन फिर अपन देखें पोस्टीरियर में, तो आर्च ऑफ आयोटा जो है उसके पीछे पोस्टीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में वही स्ट्रक्चर होंगे जो पोस्टीरियर मीडियास्टिना में प्रेजेंट होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊंगा पोस्टीरियर मीडियास्टिना में क्या प्रेजेंट है, एक है आपका ट्रेकिया, फिर है ईसोफेगल और थोरेसिक डक्ट, मतलब लाइन से वो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो अपने मीडियास्टिना में पढ़े थे वही के वही आपको लिखने। इसलिए कह रहा हूं अगर वीडियो नहीं देखी हो ना यार, तो मीडियास्टिना की वीडियो देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था उसमें। तो इसमें है ट्रेकिया, ईसोफेगस और थोरेसिक डक्ट। फिर अपन को बस ये सिर्फ आपको क्या, बट अगर तुम इस तरीके से समझ के पढ़ोगे ना, तो सुपीरियर इन्फीरियर पोस्टीरियर तो तुम ऐसे याद हो गए होंगे, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा होगा, सिर्फ एंटेरियर वाला आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो एंटेरियर में क्या होता है, आप देखते हो दो नव जो हैं वो यहाँ पे आती हैं। अब मैंने आपको मीडियास्टिना में बताया था कौन कौन से नव थी, वो बिल्कुल सही, एक थी फ्रेनक, दूसरी थी वेगस। तो यहाँ पे इसके इंटीरियर में, आर्च ऑफ आयोटा के इंटीरियर में दो नव आ जाती हैं, एक है फ्रेनिक, दूसरी है वेगस। फिर वेगस की एक ब्रांच होती है, वो है लोअर सर्वाइकल कार्डिक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस। अब जो वेगस है ना, वो क्या करता है, अपना कार्डिक प्लेक्सिस बनाता है। तो अब ऐसे याद कर लेना कि वेगस की एक कार्डिक वाली ब्रांच होगी। तो दो फ्रेनिक और वेगस तो अपन को याद ही है कि अपने मीडियास्टिनम में रहती है। तो अब इसके इंटीरियर में ये दो नाम लिख देना, वेगस एंड फ्रेनिक। फिर वेगस की ही एक ब्रांच लिख देना, कार्डिक ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस। उसके बाद ये लंग्स है, तो लंग्स के दोनों प्लूरा है ना, तो लंग्स के आप दोनों प्लूरा भी लिख देना। और फिर एक वेन भी रहती है जो कि लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन होती है। अगर तुम्हें ये वाला लाइन याद भी ना होना वेन वाली, तो तुम नव तो लिख देना और प्लूरा तो अपना लंग्स का होता ही है, देन प्लूरा भी लंग्स में लिख देना। तो सारे के सारे मैंने इसकी बता दिया रिलेशन भी। फिर अपन देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, ब्रांचेस बता चुका हूँ कि जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक है वो किस में डिवाइड होगी, राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन में। देन लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्ट निकलती है आर्च ऑफ आयोटा से, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। उसके बाद अपन अब देखते हैं एंडिंग में पूरा आर्च ऑफ आयोटा देख लिया, देन मैं इसको बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिख के आना है। उससे पहले जो है अपन एक बार डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा की ब्रांचेस और देख लेते हैं। तो मैंने आपको सारी ब्रांचेस जो थी इसकी पहले ही बता दी थी, ठीक है, लेकिन इसको एक बार और अपन के डिटेल में सारा एक बार देख लेते हैं कि अपना ये क्या देगा, कुल मिला के 9 पोस्टीरियर इंट्रोकोस्टल आर्टरी देगा। देखी थी ना 3 से लेकर 11, तो 9 पोस्टीरियर इंट्रोकोस्टल आर्टरी दी थी। देन अपन ने देखा था
कि ये एक क्या देगा, ये अपना देगा सबकोस्टल आर्टरी देगा, तो एक सबकोस्टल आर्टरी देता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका इसोफेगस पेरिकार्डियल मीडियास्टेनल है ना उसका, और एक तो इसोफेगस वाली दे रहा था इसोफेगस। के बाद ये क्या देता है, ये आपको देता है ब्रोंकल आर्टरी, देखा था ना ब्रोंकल आर्टरी। देन तो ब्रोंकल आर्टरी जो है ना ये एक्चुअली में लेफ्ट ब्रोंकल आर्टरी है, तो फिर ये आपको देता है लेफ्ट ब्रोंकल आर्टरी। उसके बाद ये देगा आपका इसोफेगस आर्टरी, और ये इसोफेगल आर्टरी जो है ये आपका इसोफेगस का 1/3 मिडल 1/3 पार्ट जो होता है ना वो सप्लाई करवाएगा। देन ये देगा पेरिकार्डियल आर्टरी, देन ये पेरिकार्डियल आर्टरी जो है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पेरिकार्डियम को सप्लाई करता है। फिर वो आपको देता है मीडियास्टेनल आर्टरी। उसके बाद ये एक और ब्रांच देता है, वो होती है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। मतलब जो फ्रेनिक, फ्रेनिक का मैंने क्या बताया था आपको, आपने अगर मेरी डायफ्राम वाली वीडियो देखी हो तो फ्रेनिक मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू डायफ्राम इज फ्रेनिक, ठीक है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी भी देगा। तो ये सारी की सारी जो थी इसकी मेन मेन ब्रांचेस जो है मैं आपको बता दी मैंने थोरसिक अयोटा की। तो अगर यार कभी आर्च ऑफ अयोटा यूनिवर्सिटी में अगर कभी आ जाता है ना, तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा है ना उसी सीक्वेंस में आप बिल्कुल लिख देना। पर यार आर्च ऑफ अयोटा के चांसेस जो है यूनिवर्सिटी में आने के थोड़े से कम ही होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक है नहीं। तो आर्च ऑफ अयोटा में पहले आप डायरेक्ट कैसे लिखते हैं अपन यूनिवर्सिटी में, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको, पहले अपन डालेंगे हेडिंग, फिर अपन सारी चीज़ों को लिखेंगे पॉइंट में, पैराग्राफ में ना करके अपन लिखते हैं पॉइंट में, क्योंकि एग्जामिनर को क्या ज़्यादा आपका क्वांटिटी नहीं उसको क्वालिटी नोट चाहिए है ना। तो आप पहले आर्च ऑफ अयोटा डालोंगे, देन आप दो पॉइंट लिख देना कि कंटिन्यूएशन ऑफ असेंडिंग अयोटा का और सिचुएटेड अपने मीडिया स्टेनम में। और क्या होता है यार, अगर तुम्हें थोड़ी सी लेंथ की छोटी लग रही है, अगर तुम्हें थोड़ा शॉर्ट लग रहा है तो तुम उसको बढ़ा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि जितना मैंने दिया उतना ही लिखना है, आप थोड़ा इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा छोटा है तो आप बीडीसी पढ़ें और उसको हल्का सा एक्सटेंड कर लें। मेरा काम क्या है, मैं आपको मेन करता हूँ, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट में प्रोवाइड करवा देता हूँ। देन इसका कोर्स लिख देना जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, फिर इसके सारे रिलेशन लिखना, और रिलेशन यार सीक्वेंस ही लिखना, पहले इंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर फिर इन्फीरियर, देन एंड में जो है इसकी ब्रांच आप लिख देना। तो कुछ इस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। और अगर तुम्हें ये मेरे नोट्स सही हो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट में यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, तो तुम क्या करना मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ, मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करके रखी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना, वरना ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है यार। क्या अगर पसंद आया हो, अगर तुम्हारा तुम्हें सफिशियंट लगा हो ये, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तुम्हें साथ जो जो टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट में लिख दिया करो, उस टॉपिक पर भी तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं यार सारे टॉपिक कवर करता ही हूँ, IMP टॉपिक तो बिल्कुल अपन कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाओ सब देखो, और पेल्विस आने वाला है तो यार पेल्विस के लिए बिल्कुल इंतज़ार करो।